नमस्कार दोस्तों, ये जो आप गमला देख रहे हैं ये हमारा टूट चुका है। आंधी आई थी तो ये गमला टूट गया था। एक और भी गमला उधर टूटा पड़ा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको सोच रही हूँ, कुछ डिजाइन मैंने काफ़ी देखी थी नेट पर कि कुछ सीढ़ी नुमा प्लांट बना सकते हैं, प्लांटर बना सकते हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ इसका कुछ तो करा जाए, टूट चुका है ये। तो मेरे पास कुछ गमले खाली हुए हैं जो गर्मी की, ये इन मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए काफ़ी जो पिटूनिया वाले गमले थे अभी हमारे खाली हो चुके हैं गर्मी की मार की वजह से। अब पिटूनिया अब नहीं उग रहा है। तो यहाँ पे हम मिट्टी लगा के और जो इस गमले के टूटे हुए पार्ट्स हैं उनसे इसकी कुछ सीढ़ी टाइप बनाएंगे। तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ मिट्टी डाल दी, तो अब इस मिट्टी को ऊपर चढ़ा देंगे जिससे यहाँ पानी अगर हम डालेंगे तो पानी जो है यहाँ से ना निकल जाए। इसमें करीब 2-2 इंच की जगह छोड़ देंगे और ये एक पहाड़ नुमा बना देंगे इस जगह को। यहाँ पर हम इस तरह से कुछ प्लांट लगाएंगे, इधर एक पहाड़ पे भी कुछ प्लांट लगा देंगे, यहाँ कुछ प्लेन बना दिया देखिए, और ये एरिया थोड़ा अभी यहाँ देखिए काफी गैप है, देखिए ये गैप काफी है यहाँ। तो यहाँ पानी यहाँ पे नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए हमने इस तरह की ये टाइल जो होती है टूटी हुई वो यहाँ लगा दी है, तो इनको आप इस तरह से यहाँ से जमा सकते हो इस तरह से। जैसे ये सीढ़ी का काम कर रही है, यहाँ से हम चढ़ के जाएंगे यहाँ सीढ़ियाँ। और ये कुछ हमारे पास ये पेबल्स हैं, इनको हम इस एरिया में यहाँ बिछा देते हैं। अब कुछ प्लांट्स हम यहाँ लगा देंगे, ये यहाँ हम एक जड़ प्लांट लगा देंगे। ये देखिए जड़ सहती है तो इसको भी आराम से ये लग जाएगा। ये कुछ हम बेल लाए जो लटकने वाली बेल है, ये कुछ इस तरह से अभी हमने और प्लांट लगाए। अभी और इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़े से मैं ये लाई हूँ, ये आइसक्रीम की जो स्टिक्स होती हैं वो मैंने कलेक्ट करी हैं। तो इनको भी हम इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस तरह से पास पास लगा सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा है, नहीं तो दूर दूर लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये गमला बनके तैयार है, मिनिएचर गार्डन। ये हमने एक यहाँ पर जो बोलते हैं कैनोपी वगैरह लगा दी है जिससे कि छाया भी बैठ सकें यहाँ पर। छाया में राहगीर जो ऐसे यहाँ से चल के जाएंगे वो इसके अंदर यहाँ बैठ पाएंगे। और अभी मेरे पास यहाँ पर कोई एक टेबल कुर्सी इस तरह का बेंच नहीं है, वरना बेंच भी मैं बना देती। तो यहाँ थोड़ा बहुत गार्डन यहाँ पेबल्स बिछा दिए हैं और ये देखिए चढ़ने की रेलिंग बना दी आइसक्रीम स्टिक्स से।
कुल मिला के ये गार्डन बन गया है। सुबह अभी शाम हो गई है तो मैं अब पूरा अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, और शाम को मैं इसको सुबह अलग से दिखाऊँगी। तो दोस्तों ये देख रहे हैं आप, बनके तैयार हो चुका है हमारा टूटे हुए गमले का गार्डन। तो अभी इसमें और धीरे धीरे जो भी हमको कमियां लगेंगी हम उनको पूरा करते रहेंगे। यहाँ साइड में मैंने पर्पल अर्थ की एक पूरी एक वो बना दी है, बाड़ जैसी बना दी है साइड में, और ये टाइल्स से मैंने छोटी छोटी टाइल्स लगा के मिट्टी पर, और उसको मैंने यहाँ पर सीढ़ी में बना दिया है। और ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से ही रखा हुआ है, ये उल्टा जो मैंने एक दिया था बड़ा वाला उससे मैंने ये कैनोपी बना दी है। और स्पाइडर प्लांट आप देख ही रहे हैं, कुछ मैं सुबह कट करके वो भी लगा सकती हूँ, फ्लावर वाले वो क्या बोलते हैं पोर्टुला का। तो अभी तो आप देख रहे हैं इस तरह से। और ये आइसक्रीम की जो ये देखिए आइसक्रीम की स्टिक्स जो बचती हैं उनसे हमने इनकी बाउंड्री बना दी है। और यहाँ चढ़ने का रास्ता है ये देखिए, और ये एक बड़ा ट्री जिसको जेड प्लांट से बनाया है, और ये छोटे छोटे यहाँ पर कुछ प्लांट्स उगाए हैं हमने, ये टेंगल हर्ट्स है, ये मतलब छोटे छोटे ये बढ़ के काफ़ी ग्रीनरी फैला देंगे यहाँ पे तो सुंदर लगेगा और भी ज़्यादा। तो इस तरह से आप आपका गमला अगर आंधी में गिर के टूट जाए, इस तरह से टूटता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और ऐसा आप मिनिएचर गार्डन बना सकते हो जैसे मैंने बनाया है। आप अपने हिसाब से उसमें कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आपके पास अवेलेबल प्लांट्स या फिर कुछ पार्ट्स हो। ओके बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।